खड़ी जाओ उधर से मम्मी। मम्मी साल में सिर्फ दो बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें घर जाने का मौका मिलता है, इसलिए मुझे होली दिवाली बहुत पसंद है क्योंकि इस टाइम हम लोग दिल्ली से 900 किलोमीटर ट्रेवल करके गोरखपुर जाते हैं। अभी आ चुका है दिवाली और दिवाली में जब हम लोग घर जाते हैं तो दो इवेंट बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली प्लस छठ पूजा। इस बार कुछ और भी मेरी लाइफ में इवेंट होने वाला है जो बहुत ही एक्साइटिंग है। और हमारा फ्लाइट का टिकट था और एक हफ्ते पहले मेल आता है कि भैया आपका टिकट कैंसिल हो चुका है। इमरजेंसी में हमें टिकट निकालना पड़ा बस का, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा, 3500 रुपए स्लीपर में मिला, बट ठीक है, इट्स ओके। बाकी आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी माय फैमिली, टू सी माय फ्रेंड्स, टू सेलिब्रेट दिवाली एज वेल एज टू छठ पूजा। चलते हैं जल्दी से सामान पैक करते हैं। दिवाली गिफ्ट मिला है, इसको मैंने कस्टमाइज कर दिया। लुक एट साइड टू मिस्टर आर के ब्लॉग टू, बहुत सारा सामान पैक कर लिया है। मेरे भाई के लिए गिफ्ट है तो मैंने ईयरफोन था उसको उसके लिए मंगाया हुआ है। भाभी के लिए एक गिफ्ट है और इसमें मेरे बहुत सारे कपड़े हैं जो पापा के लिए हैं। और मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि मैं ड्रोन को भी लेके जा रहा हूँ। ये पूरी तरह से क्रैश हो गया था, अभी सही हो गया। कितने बढ़िया से यहाँ पे डेकोरेट कर दिया गया और इन सारे डेकोरेशन का श्रेय जाता है हमारी दीपिका मैम को। थैंक यू सो मच। हम लोगों ने काफी दिन से मेहनत कर रहे हैं, सारे लोग ही, हाउसकीपिंग टीम, एमएसटी टीम, सारे लोगों ने मिलके ये काम किया, मैंने अकेले नहीं किया है। बट बहुत मेहनत लगी और थैंक यू फॉर योर अप्रिशिएशन कि आपने इसकी तारीफ करी कि अच्छा लग रहा है। नहीं, हम गुजर रहे थे यहाँ से तो काफी अच्छा लगा, हमें लगा कि चलो दीपिका मैम। यस सर, हैप्पी दिवाली मिस्टर केला, हैप्पी दिवाली फ्रॉम लास्ट वीक, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी जर्नी भी तो बोलो मुझे। थैंक यू सर, हैप्पी दिवाली। थैंक यू मैम, हैप्पी दिवाली। अब इसका सेलिब्रेशन काफ़ी अच्छा रहा, अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए। विश्वजीत के साथ निकले हैं न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन पे, जहाँ पे हमारी बस आ रही है तो जल्दी से जा रहे हैं, काफ़ी ट्रैफिक था। गाड़ी खड़ी है और एक घंटे हो गए हम लोग बस का वेट कर रहे हैं, अभी कोई बस नहीं आई है। 9 बजे बस थी अभी तक, गाइस 10:30 बजे बस आके अभी यहाँ तक, यहाँ हमारी बस रुकी हुई है, टॉयलेट करने के लिए रुके हुए हम लोग। 1 बजे, दिस वन इज बस GK ट्रेवल्स। एक बजे गोरखपुर आ चुके हैं, 10:30 बजे चल के 1 बजे गोरखपुर। तो जब भी हम लोग बस से उतरते हैं तो हमें बेसिकली धर्मशाला जाना पड़ता है, वहां से हमें ऑटो मिलती है। राइट नाउ आई एम राइडिंग ऑन द रिक्शा, बहुत दिनों के बाद रिक्शा की सवारी करने को मिल रही है। और अभी तो ऑटो रिक्शा हो गए, पहले हम लोग इसी पे ट्रेवल करते थे गाँव से पनीरा जाने के लिए या छोटा मोटा जो भी ट्रेवल होता था। और अब बैग लेने के लिए आ चुके हैं मिस्टर युवराज। चल जाएगी नहीं, ताकत ऐसी आवाला उन्ना ना ही उठाए हुआ। ओमन से जो पड़ाके फेंके वाला है वो फेंक के पट के फूटाला वो वाला युवराज के है। कुछ गोलू खाती ना, कुछ हमरे खाती ना, अच्छा यूज कर लो ये सब के। इधर ये देख के चला वरदवा ओचे वाला वाला रनिंग स्कॉट, कम ऑन बो। सबसे पहले घर
घर में पूजा हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं भगवान जी के पास खेल कल्याण और जितने मंदिर है वहाँ पे दिया रखने के लिए। कर दे तो ये हम लोगों के जस्ट घर के सामने, ये हमारा घर, उसके जस्ट सामने ये हमारा कुआं है, खानदानी कुआं है, शंकर जी ये करके रखते हैं। युवराज जाके तो रख दो, वहाँ जाके बढ़िया से रख दिया। मिस्टर आरके हर एक चीज के साथ सेलिब्रेट करते हैं, हर एक चीज को पूछते हैं, इसलिए हमारी जो भी चीजें होती हैं उन पे हम लोग दिया जला के हैप्पी दिवाली और आशीर्वाद लेते हैं। अब बाली आ चुकी है दीपक को छत पे जलाने की, युवराज सिंह लग चुके हैं, बड़े खातिर और दिया लाइट जल्दी जल्दी लगावा। ताल का मजा था। हट जाओ उधर से मम्मी। खेत में ये देखिए ट्रैक्टर आ गया। भैंसिया लगातार याद करती है तुम्हें, देखा देखा आप आ गए युवराज। दोस्तों अभी बज चुके हैं 3:30 और हम लोगों को जाना है 2-2.5 किलोमीटर दूर। यहाँ पे सब लोग वेदी के पास बैठे हुए हैं। छठ बिताने के बाद आज हम लोग फिर वापस चल रहे हैं नोएडा, और एक सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है जर्नी का, जब आप घर से निकलते हो अपने दोबारा वर्किंग स्टेशन पे। इस चीज़ को सब लोग रियलाइज नहीं कर सकते हैं, जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए होता है, घर पे तो जो रहते हैं उनके लिए सिर्फ ये मायने रखता है कि ये इतना कमाता है उतना कमाता है, बट हम जो सेक्रीफाइस करते हैं वो जो घर के बाहर लोग रहते हैं वो ही इन सब चीज़ों को रियलाइज कर सकते हैं। घर से आने के बाद की जिंदगी, ऐसे लगता है कि भैया आप सपने से सो के उठे हैं और डायरेक्ट आ गए हैं ऑफिस। बेस्ट पार्ट ये था कि फैमिली के साथ काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, दिवाली सेलिब्रेट किया, छठ सेलिब्रेट किया, साथ में इस बार 15 नवंबर को मेरी एंगेजमेंट हो गई। तो ये था सरप्राइजेस, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। बाकी स्पेशली ब्लॉग आने वाला है एंगेजमेंट का, जिसमें कि ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा, काफी बड़ा ब्लॉग हो रहा था इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ चीजें डाल देते हैं ताकि लोगों को आइडिया लग सके क्या क्या हुआ इस दिवाली। चैनल बने हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपका लाइक हमें काफी मोटिवेट करता है, और यूट्यूब को भी काफी पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ और पूछना जानना या कुछ बताना चाहते हैं, कुछ एडवाइस करना चाहते हैं, प्लीज लेट मी नो, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।